लिए मेरा मुन्ना कितना प्यारा है। सुनो जी, देखो ना मुन्ना के सीने पर ये निशान कितना प्यारा है ना। हाँ, और ये निशान धीरे धीरे बड़ा भी हो रहा है। देखो, अब कुछ हाथी के चेहरे जैसा है ना। हाथी नहीं, साक्षात गणेश भगवान का वास है मेरे मुन्ने में। भूल गए आप, इसका जन्म भी तो गणेश चतुर्थी के दिन ही हुआ था। सही कहती हो सुहानी, भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से साक्षात गणपति बप्पा ही पधारे हैं हमारे घर। 2 महीने का मुन्ना असल में सुहानी और मोहित की जान था। शादी के बाद पूरे 5 सालों तक सुहानी और मोहित औलाद के लिए तरसते रहे। शहर का कोई डॉक्टर और किसी भी मंदिर की दहलीज उनसे अछूती न रही। और फिर आखिरकार इन दोनों की बेरंग जिंदगी में रंग भरने अब मुन्ना आ गया था। सुनो जी, कल सोमवार है, हमें मुन्ने को लेकर वो पहाड़ी वाले शिव मंदिर जाना चाहिए। क्या कल? सुहानी, कल थोड़ा बिजी हूँ, तो अगले सोमवार चलें क्या? ये क्या बात हुई, पिछले सोमवार भी आपने यही कहकर टाल दिया था। कल सावन का आखिरी सोमवार है, अगर आपके पास समय नहीं है तो मैं मुन्ने को लेकर अकेली ही चली जाती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया मैं अपना काम बाद में निपटा लूंगा। कल मंदिर ही चलेंगे, सुबह ही निकलेंगे, तुम सारी तैयारी कर लेना। मोहित और सुहानी को उस पहाड़ी वाले शिव मंदिर पर बड़ी आस्था थी। दोनों मानते थे कि उन्हें उनका मुन्ना उसी मंदिर में मांगी हुई मन्नत में भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से मिला है। अगले दिन पूरा परिवार मंदिर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में एक बहुत लंबी नहर थी जो बारिश के मौसम में पानी से लबालब भरी हुई थी, और पानी का बहाव भी उस दिन बहुत तेज था। सुनो जी, ये नहर के ऊपर से जाना जरूरी है क्या? मंदिर के लिए इस तरफ से बस यही एक रास्ता है सुहानी, पर तुम इतना डर क्यों रही हो? अरे आपको याद नहीं, उस नहर के ऊपर जो पुल बना है कितनी खराब हालत है उसकी। पिछली बार जब आए थे तो कितना डर डर के पार किया था वो पुल। गाड़ी एक तरफ छोड़कर मंदिर तक पैदल ही गए थे हम। अब इस बार भी ऐसा ही करेंगे? नहीं सुहानी, पिछली बार हम अकेले थे, इस बार मुन्ना भी है साथ में। मंदिर उस पुल से काफी दूर है, और तुम्हारी डिलीवरी को भी अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। तुम डरो मत, मैं पुल पर बहुत आराम से गाड़ी चलाऊंगा और हम आराम से मंदिर पहुंच जाएंगे। मोहित के कहने पर सुहानी मान तो गई, लेकिन फिर भी उसे डर लग रहा था। मौसम भी खराब हो रहा था, और फिर नहर तक पहुंचते पहुंचते बारिश भी शुरू हो गई। बारिश के रुकने तक रुक जाते हैं जी, ये पुल तो मुझे पहले से भी कमजोर लग रहा है। तुम फालतू ही परेशान हो रही हो सुहानी, हम आराम से निकल जाएंगे। मोहित नहीं रुका और उस कमजोर पुल पर उसने अपनी गाड़ी चढ़ा दी, और फिर वही हुआ जिसका सुहानी को डर था। पुल अचानक ही टूट गया और पूरा परिवार गाड़ी समेत नहर में जा गिरा। नहर में पानी बहुत तेज था, लेकिन फिर भी किसी तरह मोहित ने गाड़ी का दरवाजा खोला और सुहानी को थाम कर किनारे तक आ गया। लेकिन कुछ था जो उनसे छूट गया था। अरे मुन्ना, मुन्ना कहाँ है? मैंने इस कंबल में ही तो लपेट कर रखा था उसे। मुन्ना, मुन्ना! रुको रुको सुहानी, कहाँ जा रही हो? पानी बहुत तेज है, वहाँ जाना मतलब मौत को दावत देना है। और मेरा मुन्ना, वो कैसे लड़ेगा इन लहरों से? वो तो कितना छोटा सा है। नहीं, मैं जा रही हूँ अपने मुन्ने को वापस लाने। मुन्ना! सुहानी जिद पर अड़ी थी, लेकिन मोहित ने उसे कस कर पकड़ लिया। वो हालात समझ चुका था कि मुन्ना अब खो चुका है, और अब वो सुहानी को नहीं खोना चाहता था। सुहानी चलो बाहर घूम कर आते हैं। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। सुहानी अब बस भी करो, तुम कब तक मुझसे नाराज रहोगी? मैं मानता हूँ कि उस दिन पुल पर गाड़ी से जाने का मेरा फैसला गलत था, लेकिन अब मुझे बताओ कि आखिर मैं क्या करूँ? जाओ और जाकर मेरे मुन्ना को ढूंढ कर लाओ, जाओ। सुहानी तुम समझती क्यों नहीं हो, मुन्ना बस 2 महीने का था, वो चला गया हमेशा हमेशा के लिए। कैसे मान लूं, मैं माँ हूँ उसकी, और मेरा दिल कहता है कि वो मुझे छोड़कर नहीं गया है। ये कहकर सुहानी जोर जोर से रोने लगी, और मोहित की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उस हादसे को पूरे 7 साल बीत चुके थे, लेकिन मुन्ने को खोने का दर्द इन दोनों के जहन से अब तक नहीं गया था। सुहानी जिद पर अड़ी थी कि उसका मुन्ना जिंदा है, लेकिन मोहित हर उम्मीद छोड़ चुका था। वो सुहानी को दिलासा दे ही रहा था कि तभी दरवाजे की डोरबेल बजी। सुहानी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक बच्चा
अपनी पीठ पर राशन से भरा एक भारी थैला लादे खड़ा था। अरे ये सामान नीचे रखो पहले, और अब बताओ कौन हो तुम बेटा? जी मेरा नाम छोटू है, ये सामान आपका है, लाला जी ने भिजवाया है। अच्छा वो राशन वाले लाला जी, लेकिन उन्होंने तुम्हें क्यों भेजा? उनकी दुकान में तो नंदू करता है ना ये काम? हाँ वो नंदू भैया अपने गाँव गए हैं, उनके घर बप्पा आने वाले हैं ना, तो इसीलिए मैं आया हूँ। लेकिन तुम तो बहुत छोटे हो, और ये बताओ तुम्हारे घर भी तो आ रहे होंगे ना बप्पा, तो तुम्हें छुट्टी नहीं चाहिए? मेरा तो कोई घर ही नहीं है, तो बप्पा कहाँ आएंगे? इतना कहकर छोटू वहाँ से दौड़ता हुआ वापस चला गया और सुहानी सामान लेकर घर के अंदर आ गई। दूसरी तरफ छोटू जैसे ही लाला की दुकान पर वापस पहुँचा तो लाला ने कड़कते लहजे में उससे कहा, आ गया तू, हैं? कहाँ मर गया था? पास वाली सोसाइटी ही तो गया था, इतना टाइम कैसे लग गया? चल अब जल्दी से सामान के पैसे ला और ये दूसरा थैला पहुँचा करा। लाला की बात सुनकर छोटू के चेहरे का जैसे रंग ही उतर गया, क्योंकि वो सुहानी से सामान के पैसे लेना तो भूल ही गया था। ए, क्या कर रहा है, कहाँ है पैसे, बोल जल्दी। लाला जी वो तो मैं लेना ही भूल गया। क्या बोला? अबे तू मेरा बिगाड़ने के लिए आया है क्या? मुफ्त में सारा सामान दे आया, रुक मैं अभी तेरी सारी चर्बी उतारता हूँ। लाला बहुत ही खड़ूस आदमी था, वो छोटू को मारने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी सुहानी और मोहित वहाँ पहुँच गए और सुहानी ने लाला को रोकते हुए कहा, लाला जी ये क्या कर रहे हो, इतने छोटे बच्चे से इतना भारी काम करवाते हो और ऊपर से उसे मार भी रहे हो, ये पकड़ो अपने पैसे। सुहानी ने उस वक्त छोटू को न सिर्फ मार से बचाया बल्कि बाद में उसे पेट भर खाना भी खिलाया। उसे छोटू के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लग रहा था। शुक्रिया मैम साहब, अब मुझे जाना होगा, दूसरा सामान भी पहुँचाना है। नहीं मैं लाला जी से बात करूंगी, तुम अब से ये काम नहीं करोगे। नहीं मैम साहब ऐसा मत करो, काम नहीं करूंगा तो लाला जी मुझे अपनी दुकान पर नहीं रखेंगे और फिर मैं कहाँ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन सुनो अब कल मेरे घर पप्पा आ रहे हैं तो तुम उनसे मिलने तो आओगे ना? क्या सच में? हाँ हाँ मैम साहब मैं जरूर आऊंगा, बस आप दुकान से कुछ सामान मंगवा लेना। इतना कहकर छोटू वहाँ से उछलता कूदता चला गया, पप्पा के नाम से ही उसका चेहरा खिल उठा था और ये देखकर सुहानी को बहुत अच्छा लग रहा था। मुन्ना भले ही अब जिंदा नहीं था लेकिन फिर भी सुहानी और मोहित हर साल गणेश चतुर्थी पर उसका जन्मदिन मनाते थे, साथ ही वो हर साल अपने घर में गणपति बप्पा की प्रतिमा को स्थापित करते थे। इस बार भी वो पूरी श्रद्धा से गणपति बप्पा की प्रतिमा को अपने घर लेकर आए और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा की। सुहानी क्या बात है, अब तो बप्पा भी घर आ गए लेकिन तुम खुश नहीं दिख रही। वो छोटू क्यों नहीं आया? बप्पा को घर आए 4 दिन हो गए लेकिन वो एक बार भी नहीं आया। आपने लाला जी की दुकान पर फोन करके सामान के लिए तो बोला था ना? हाँ बोला था, और सामान तो दिन में आ भी गया, वो देखो वो नंदू लेकर आया था। मोहित की बात सुनकर सुहानी उदास हो गई और गणपति जी के पास जाकर हाथ जोड़ते हुए बोली, बप्पा आप तो विघ्नहर्ता हो, मेरा मन क्या चाहता है ये तो आप अच्छे से जानते हो ना, कुछ तो करो प्रभु, मुझे भागन की पुकार सुन लो, अब मैं और बेऔलाद होने का दुख नहीं झेल सकती। सुहानी पूरी तरह से टूट चुकी थी और अब उसे सिर्फ गणपति बप्पा से ही उम्मीद थी। ऐसे ही कई दिन बीत गए और फिर, लाला जी ये सारा सामान मुझे शाम से पहले चाहिए, कल गणेश चतुर्थी है, मुझे बप्पा के लिए मोदक बनाने हैं, और हाँ वो सामान लेकर छोटू को ही भेजना, मुझे उससे कुछ काम है। कमाल है मैडम जी, है? उस दिन आप ही उससे काम करवाने को मना कर रही थी और आज उसे ही बुला रही हो, चलो मैं भेजता हूँ अभी। ए छोटू चल रहे, ये झाड़ू छोड़ और पहले ये लिस्ट का सामान पहुँचा कर आ जा, चल और सुन इस बार पैसे लेकर आई हो समझा। छोटू सामान लेकर चल पड़ा, वो सुहानी के घर पहुँचने ही वाला था कि तभी तेज बारिश होने लगी। छोटू आ गए तुम, ओहो बारिश तो बहुत तेज है, आ जाओ बेटा अंदर आ जाओ। ये क्या तुम्हारी शर्ट तो पूरी भीग गई है, तुम इसे उतार दो मैं तुम्हारे लिए कुछ पहनने को लेकर आती हूँ। सुहानी अंदर जाती उससे पहले ही छोटू ने अपनी शर्ट उतार दी और फिर जो हुआ वो सुहानी के लिए किसी सपने से कम नहीं था। ये निशान, ये तो मेरे मुन्ना के जैसा है। मुन्ना मुन्ना, तू मेरा मुन्ना है। नहीं मैम साहब आपको पता तो है मैं तो छोटू हूँ और ये निशान तो बचपन से है, लाला जी ने बताया था कि जब मैं उन्हें नहर के किनारे मिला था तब यही निशान देखकर वो मुझे अपने साथ ले आए थे, लेकिन फिर मैं इतना कामचोर निकला कि उनके किसी काम का नहीं,
ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं था। सुहानी के विश्वास की जीत हो चुकी थी, क्योंकि असल में छोटू ही मुन्ना था जो बचपन में सुहानी के हाथों से छूटकर नहर में बह गया था और फिर लाला को मिल गया। लाला ने उसे पाला तो जरूर, लेकिन बस एक नौकर बनाने के मकसद से। लेकिन इस सबसे अनजान छोटू को तो कुछ और ही आकर्षित कर रहा था। मेम साहब, आपके घर पप्पा आए ना, क्या मैं एक बार उन्हें देख लूं? सुहानी ने छोटू को गले से लगा लिया और फौरन उसे गणपति जी के पास लेकर गई, जहां पूरा परिवार एक साथ बप्पा के सामने सिर झुकाए खड़ा था। सुहानी अब सही मायने में खुश थी, क्योंकि बप्पा ने उसे उसकी सबसे बड़ी खुशी जो लौटा दी थी।